Yes, good morning students. Welcome to your science class. Today we will discuss about the rectangle form, which is on page number 9 of the lesson. We will discuss today experiment number 1. The aim of the experiment is to prepare a model of kaleidoscope. Okay? So we have to prepare a model for kaleidoscope. If I can tell you kaleidoscope, yeah, it is a device which is based on बैंगल के पीसेज इंसर्ट किए हैं इसमें और इसको फिर कवर कर दिया है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से. दोनों तरफ ही हमें अंदर भी और यहाँ पर बाहर भी दोनों तरफ ही हमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का यूज़ करना है. ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारा ट्रायंगुलर साइड है. यहाँ पर हमने एक पेपर यूज़ किया है सो दैट वी कैन सी फ्रॉम हियर. ठीक है, पेपर के अंदर हमने एक होल किया हुआ है सर्कुलर इन शेप, तो हम यहाँ पर आए रख के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑन द अदर साइड हमने बैंगल के पीसेज ऐड किए हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज अ कैलिडोस्कोप. तो हमने क्या करना है, हमें थ्री रेक्टेंगुलर ग्लास पीसेज लेने हैं, इनको अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, सो जो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा क्योंकि ये जो साइज है इसका इक्वल है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म. The angle between this is 60 degree. ठीक है, क्योंकि जो साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती है एंड ऑल एंगल सारे. तो इसमें हमारे पास ये जो एक एंगल होगा 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इस पर. तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि मल्टीपल इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी अगर आप इसके थ्रू ऑब्जर्व करेंगे. सो यू विल फाइंड द 6 ट्रायंगल्स. अगर हमें मल्टीपल इमेजेस फाइंड आउट करनी होती है कहीं पर भी, अगर हम क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ मिरर्स यूज कर रहे हैं, वहाँ पर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 यूज किए हैं ये मिरर्स और इनको अरेंज किया है. आफ्टर दैट हमने इसके अंदर थोड़ा सा प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दिया जिससे कि हमारे जो ग्लास पीसेज हैं वो पूरे इसमें मूव नहीं करता. ठीक है, आफ्टर दैट हमने इसमें बैंगल्स के ब्रोकन पीसेज ऐड ऑन कर दिए और इसको इस साइड से कवर अप कर दिया प्लास्टिक शीट से. प्लास्टिक शीट जो हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी प्लास्टिक. अब हमने इस साइड से क्या किया, इस साइड से भी हमने इसको प्लास्टिक शीट से कवर करना है. बट हमने इसके अंदर एक पेपर इंसर्ट किया है इस साइड में और इसमें हमने क्या किया है एक होल, ये मैंने आपको शो किया. ठीक है, तो इस साइड से हमारा ये कैलिडोस्कोप फॉर्म होता है. इसके अंदर जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी बट आई थिंक इट्स नॉट इजी टू सी इसके थ्रू. तो इसमें हमने ये इस तरह से प्रिपेयर करना है और यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक सर्कुलर इस साइड से इसमें हमें शो होगा. Thank you.
इमेजेस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा एंगल जो है कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो इमेजेस फॉर्म हुई है कितनी है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म आर 5। तो इसमें जो मैंने आपको एक सिक्सर की लाइन सुनना दिखाया था, ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या रहेगा, दिस वन इज ओरिजिनल एंड 5 अगर जो हमें इसमें शो हो रहे हैं, अगर हम इस बोर्ड से ऑब्जर्व करेंगे तो 5 आर इमेजेस। ओके, सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट यू हैव टू डू इन योर लैब मैनुअल, ठीक है, लैब मैनुअल में आप क्या करेंगे, यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर लैब मैनुअल एज एक्सपेरिमेंट नंबर 5। डेट शुड बी मैंशन, डेट आप मैंशन करेंगे 26 अगस्त। ओके, और एम आपको लिखना है टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ कैलिडोस्कोप, देन मटीरियल्स रिक्वायर्ड एज यूजल, आप जो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करते आए हैं उस तरह से ही आपको करना है। यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन द प्लेन साइड ऑफ द पेपर एंड यू हैव टू राइट द मटीरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर एंड प्रिकॉशंस ऑन द, यहाँ पर हमें लाइन्स प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। सो अगर आप अपने लैब मैनुअल में ये करेंगे, सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हेयर, इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यू हैव टू राइट एक्सपेरिमेंट नंबर 5 हेयर, देन डेट यू हैव टू मैंशन 26 अगस्त, पेज नंबर अकॉर्डिंग टू यू आप मैंशन करेंगे क्योंकि 4 एक्सपेरिमेंट्स आपने कर लिए हैं ऑलरेडी। एम यू हैव टू राइट, यू कैन यूज ब्लैक पेन फॉर टू राइट एम, देन मटीरियल्स रिक्वायर्ड, हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक पेन यूज़ करेंगे और वर्क के लिए आप ब्लू पेन यूज़ करेंगे। ओके, मटीरियल्स रिक्वायर्ड, देन प्रोसीजर एंड देन प्रिकॉशंस। ओके, पूरे ही पॉइंट्स लिखने हैं प्रोसीजर के और प्रिकॉशंस के, एंड यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स द डायग्राम्स ऑन दिस साइड। नाउ लेट अस डिस्कस दिस, मटीरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें हमें क्या चाहिए, 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स, ठीक है, साइज इज ऑल्सो मैंशन हेयर 15x4, मल्टी कलर पीसेज ऑफ बैंगल्स हमें चाहिए, प्लास्टिक शीट चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, यू कैन प्लेस दिस कैलिडोस्कोप इन अ कार्डबोर्ड पीस। ओके, जो हमारा सर्कुलर शेप का कार्डबोर्ड होता है उसमें भी आप रख सकते हैं इसको, सेलोफिन टेप एंड सीजर। ओके, सो प्रोसीजर, टेक अ कार्डबोर्ड, प्लेस 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स ओवर इट एंड मार्क देयर बाउंड्री, हमने 3 कार्डबोर्ड पीसेस जो लिए हैं, कार्डबोर्ड लिया है, उनको अपने जो मिरर्स के साइज का है कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सीजर, कट 3 पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड बाय कटिंग अलोंग द मार्क बाउंड्री, जो हमने जो मार्क किया है उसके सीजर की हेल्प से हम उन पीसेज को कट कर लेंगे कार्डबोर्ड पीसेज को, और उनको कार्डबोर्ड पीसेज को मिरर्स के ऊपर कवर कर देंगे। नाउ जॉइन 3 कार्डबोर्ड पीसेज, अब हमने कार्डबोर्ड पीसेज को ज्वाइन करना है जिनमें मिरर्स हैं, इन सच अ वे दैट दे फॉर्म ट्रायंगुलर बॉडी, तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर बॉडी ये फॉर्म करेंगे, यहाँ पर हमारे ये ट्रायंगुलर पीसेज हैं ग्लास के। ओके, सो विद मिरर फेसिंग इनवर्ड एट 60 डिग्री टू ईच अदर, आप ये ध्यान रखेंगे जो मिरर वाली साइड है वो अंदर होनी चाहिए, इसमें अंदर वाली साइड पे मिरर होना चाहिए, बाहर वाली साइड पे कार्डबोर्ड होना चाहिए। ओके, कवर द 2 ओपन एंड्स विद अबव मेड कार्डबोर्ड ट्यूब विद क्लियर प्लास्टिक एंड टेप इट इन प्लेस, ठीक है, हमने दोनों जो ओपन एंड्स हैं इसके प्लास्टिक क्लियर प्लास्टिक या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से इसको कवर कर देना है, कलर पीसेस जो हैं बैंगल्स के वो प्लास्टिक के ऊपर डाल देने हैं एक साइड पे, बाय लीविंग एनफ स्पेस बिटवीन प्लास्टिक एंड ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, हमने जो हमारी अंदर प्लास्टिक शीट हमने लगानी है उसके और जो बाहर वाली प्लास्टिक शीट है उसके बीच में हमारा स्पेस होना चाहिए जिससे कि जो बैंगल्स के पीसेज हैं ये मूव कर सकते हो, ठीक है, देन योर कैलिडोस्कोप इज रेडी, आपका कैलिडोस्कोप रेडी है, लुक थ्रू द अदर एंड एंड सी द ब्यूटिफुल पैटर्न्स फॉर्म्ड एज यू रोटेट द ट्यूब, अब हम अगर इसको रोटेट करते हैं तो अलग अलग पैटर्न्स इसमें फॉर्म होते हैं, प्रिकॉशंस डील केयरफुली विद द ब्रोकन पीसेज ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के जो पीसेज हैं उनके साथ केयरफुली डील करना है आपको, एंड यूज एडहेसिव मटीरियल लाइक सेलोफिन टेप ऑफ गुड क्वालिटी, जो सेलोफिन टेप है ये आप अच्छी क्वालिटी की यूज करेंगे।
So students, this is all for today. Thank you very much students. Have a good day.